वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो रिकॉर्डिंग है कि वेदर की रिकॉर्डिंग है। ये आप देखो, वेदर देखो, पहले वेदर देखो। ओ उधर उधर पहले ट्रैफिक देखो उधर। ओ शिट, ब्रेक्स लग रही हैं। वो देखो कैसे सारे खड़े हो गए हैं। आगे लाइन लगी, आगे लाइन लगी ना। हाँ। नहीं नहीं, ये एग्जिट पे ट्रक निकल रहे हैं सारे। नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे ट्रक का वो बहुत स्लो जा रहे हैं। कोई कह सकता है कि ये राइट नाउ जुलाई चल रहा है और 8 तारीख है जुलाई की, कह सकते हैं ये जुलाई महीना है। फोग देखो कैसे पड़ी हुई है। वो उधर देखो, वो देखो लाइन लाइन अप कैसे किया हुआ है, खड़े हो गए हैं सारे। इतना माड़ा हाल हो चुका है रोड का, इतना बैड वेदर हो चुका है। हाँ, ये भी है क्योंकि हम कैलिफोर्निया जाते हैं तो मालूम है आपको, आठ स्टेट्स पार करके फिर हम कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। मिशिगन, इंडियाना, इलिनॉय, आयोवा, नेब्रास्का, वायोमिंग, यूटा, नेवाड़ा, 6-2-8 होगी। अगर हम जा रहे हैं लिवरमोर साइड, अगर हम जा रहे हैं सैन डिएगो साइड, देन एरिजोना का छोटा सा पार्ट आता है, वो 25 और 30 माइल्स का होता है। 36 माइल्स का होता है, ठीक है। तो वही फिर बन जाती है 9 स्टेट्स। तो ऐसे ही हम किसी स्टेट में हमें एक्सट्रीम गर्मी मिलती है, किसी स्टेट में ऐसा मौसम मिलता है। और कमाल की बात देखो, मैं आज फिर नहीं नहा सकता बारिश में। अभी आगे आएगा, आगे पंप आएगा, लेकिन मुझे मालूम है जब पंप के पास पहुंचूंगा बारिश चली जाएगी। बारिश का मजा ही नहीं मैं ले पा रहा। आई विश पूजा ने वेदर देखा है कि घर जाके अगले हफ्ते बारिश है, तो आई विश बारिश हो और मैं बारिश का मजा ले सकूं, नहा सकूं बारिश में। वाव वाव, कुछ दिख ही नहीं रहा। विजिबिलिटी देखो कितनी लो हो चुकी है। बट एक चीज नोट किया आपने? क्या? मैं उधर रखो ना, मैं बताना चाहता हूँ अपनी फैमिली को कि एक चीज नोट कर लो, सभी ने फ्लैशर्स लगाए हुए हैं। और हमारे वहाँ पीछे इंडिया कोई या किसी को मालूम होगा कि फ्लैशर क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं। इवन उनको यही नहीं पता हाई बीम लाइट कब जगाते हैं, और अगर कोई डिप्पर मार रहा है और तो उसका क्या मतलब है। मैं गया इंडिया, जब इस बार गए तो आगे से हाई बीम में आ रही हैं गाड़ियाँ, उनको डिप्पर मारी जा रहा हूँ। उनको मालूम ही नहीं है कि डिप्पर क्यों मार रहा हूँ मैं। तो जब कोई ऐसे डिप्पर मारता है, लाइट ऐसे ब्लिंक करती है ऐसे हेडलाइट, तो उसका मतलब है कि भाई अपनी हाई बीम को लो बीम कर, मुझे दिख नहीं रहा। उसमें क्या फ़ायदा, आप अपनी जान का रिस्क ले रहे हो और आगे की लाइफ का तो रिस्क ले ही रहे हो आप। प्लस जब ऐसे फोग पड़ती है तो प्लीज़ ऐसे देखो, सभी ने फ्लैशर्स लगाए हुए हैं, ऐसे फ्लैशर्स लगा के जाओ। रोड पे पानी खड़ा हो गया, उसे क्या कहते हैं जब रोड पे पानी खड़ा हो जाता, तो गाड़ी मतलब अगर तेज हो तो वो जैसे मतलब रोड पे नहीं होती, वो पानी के ऊपर होती है। क्या कहते हैं, हाइड्रो कुछ कहते हैं उसे, पता उसे कुछ कहते हैं, उसका नाम है बकायदा। बहुत ज्यादा माड़ी हालत हो गई है, मुझे लगता मुझे मैं जा पाऊंगा आगे होगा अल्लाह। मुझे लगता है बिग स्प्रिंग ही रुकना पड़ेगा हमें। गाड़ियों का ये पंगा होता है कि दिखता नहीं है कुछ जब बारिश ज्यादा तेज पड़ रही है,
लेकिन ट्रक की जैसे हाई है तो ये थोड़ा सा फायदा होता है इसका कि हमें ऐसे ऐसे बस इतनी जल्दी रुकना नहीं पड़ता साइड पे। गाड़ियों पे में तो दिखता नहीं है, आपको भी मालूम होगा आप चलाते ही हो वहाँ पे गाड़ियाँ, तो ये बात है। इसलिए हम जाते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट बारिश का सबसे ज़्यादा मज़ा मालूम मुझे क्यों आता है, क्यों? क्योंकि गाड़ियों वाले जो होते हैं ये डर कर राइट लेन में चले जाते हैं सारे, और लेफ्ट लेन हमारे लिए खाली हो जाती है। लेकिन ये दो नहीं डर रहे, इन दोनों ने ब्लॉक की हुई है लेफ्ट लेन। अगर ये दो ना हो तो मैं जा सकता हूँ आगे, लेकिन इन्होंने ब्लॉक की हुई है। ओहो, अच्छा हुआ, पूछो क्या अच्छा हुआ। क्या? मैं रुका पंप पे। हाँ। तो मैं ना शीशे साफ करने भी लगा था, लेकिन ना उन्होंने विंडशील्ड वो वॉशर नहीं रख, फ्लूड नहीं रखा हुआ था उन्होंने, उन्होंने ऐसे पानी रखा हुआ था, तो मैंने साफ नहीं किया। मैं आगे जाके कर लूंगा। तो अभी साफ हो गए, अच्छा हुआ मुझे साफ नहीं करने पड़े। और हमारा ट्रक भी धुल गया बहुत, लाइक ब्लैक पे मिट्टी ज्यादा दिखती है ना, गंदा बहुत हुआ पड़ा था, तो लेकिन ये अच्छा हो गया अभी ट्रक धुल गया हमारा। अभी ये अभी तीसरे लाइन चेंज, अब मैं जा सकता हूँ सीधा। और राइट नाउ हम हैं नेब्रास्का में, 89 माइल्स अंदर आ चुका हूँ मैं नेब्रास्का के। बस बारिश हटे ना, ऐसे ऐसे चलती रहे तो नजारा आ जाए। जो जे वाली आरवी होती है ना, ऐसी आरवी होती है जो ये आई थिंक फिफ्थ व्हील वाली है। हाँ, ये तो फिर भी बच जाती है। जो टो की होती है ना, हाँ, उसका पलटने का डर होता है जब विंड ज्यादा तेज हो। हाँ, चल गया मालूम क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोप्लेनिंग। अच्छा, वो मतलब स्लाइड करता है। क्यों? शिट, ब्रेक्स लग रही है आगे। नहीं, हाँ इधर वाली लेन में लगती है। नहीं, प्लेशर का तो उसे कहते हैं हाइड्रोप्लेनिंग। जब ऐसे वेट रोड है ना, तो जो व्हीकल है वो स्लाइड करता है ज्यादा देन ब्रेक लगने की बजाय, क्योंकि अगर हम तेज है ना तो वो हाइड्रोप्लेनिंग मोशन में आ जाता है कि टायर लाइक पानी खड़ा हुआ है और पानी के ऊपर मतलब चल रही है गाड़ी, मतलब मतलब ऐसा कुछ होता है समझ लो यार। मतलब बेसिकली ये है कि तेज नहीं चलाना चाहिए व्हीकल को बारिश में, ये अगर कोई आगे है तो ब्रेक नहीं लगेगी, अगर कर्व आ गई तो हो सकता है आप स्लाइड कर जाए सीधा निकल जाए। ऐसा एक एक्सीडेंट भी हुआ है, वो बहुत तेज था और बारिश में था, और दूसरी तरफ उस लेन में पुलिस वाला था, वो जैसे टिकट दे रहा था किसी गाड़ी को, तो जैसे ऐसे कर्व घूमती है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे कर्व है और वो ऐसे वहाँ पे खड़ा था, तो ये गाड़ी वाला बहुत तेज था, उसने ऐसे घुमाई गाड़ी, घूमी नहीं सीधा डिवाइडर से जो बीच में ये ग्रास है, सीधा निकल गया उधर, सीधा जाके वो पुलिस वाले गाड़ी के बीच बजा जाके, लेकिन पुलिस वाला बच गया। बट जिसकी गाड़ी उसमें ठुकी है वो तो ठुक गया।
ना जब पंप आएगा बारिश कम हो जाएगी, वही बात ही, वो हम निकल रहे हैं पंप और बारिश देखो कुछ भी नहीं रह गया, ये तो ये तो क्या पूरा गीला भी नहीं करेगा हमें। yeah. इतनी बारिश में तो मैं उस दिन नहाया था यार। चलो कोई नहीं, चलो ये क्या कर रहे हो पाल जी? ये बारिश से बचने के लिए पोंचो डालने लगा हूँ, पहनने लगा हूँ पोंचो। पोंचो क्या? सर पे डालो ना, सर गीला हो जाएगा। अब इसको पकड़ो, मुझे भी डालने दो। जलो जलो डट्टी फैलो, मुझे लग रहा है सारे अपने साइज के ले आए हो। जलो जलो डट्टी फैलो। ऐसे करते होते ना जो स्कूल में ग्रुप्स होते थे, रेड येलो ग्रीन है ना, तो उनको छेड़ते होते थे जो होते थे येलो वाले, येलो येलो डट्टी फैलो। जादू। वो एक कमेंट आया था ना कि मैं जादू, जादूगरनी भी साथ में है। जेलो हम भी साथ में देख रही है, जेलो हम भी जादू बन गए। जादू बट हम बोल कैसे रहे हैं, बाहर तो बारिश पड़ रही है, धूप नहीं पड़ रही। ओह यस, शक्ति कहाँ से आ गई हमारे में? ऋतिक रोशन हमें देखे गया। पंजाबी बोलनी भी सिखा के गया, हिंदी बोलनी भी। हम नहीं कहेंगे दूसरे दूसरे जैसे करते हैं सब्सक्राइब करो, वैसे नहीं हम कहेंगे, हमें मालूम है आप सब्सक्राइब करते हो बट आप लाइक शेयर नहीं करते, आप इंस्टा पे नहीं आ रहे, आप फेसबुक पे नहीं आ रहे। और मालूम क्या होता है, आप लोग कमेंट करते हो यार, मैं आप देखो मैंने ना अकेले अकेले का रिप्लाई किया है, मैं रिप्लाई करता हूँ बाद में आपका कोई रिप्लाई नहीं आता उस पे। हाँ। आपको मालूम भी चला या नहीं, या कैसे कि आपने देखा भी कि हमने रिप्लाई किया है? मैं हरेक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ ज्यादातर, हरेक अगर आप चेक करो हरेक कमेंट का रिप्लाई आता है। और ये नहीं है कि नया नया चैनल है, 12,000 सब्सक्राइबर है, इसलिए नहीं। अगर ये आपकी सपोर्ट रही, भगवान की कृपा रही, जो 5,00,000 भी हो गया तो ऐसे ही मैं रिप्लाई किया करूंगा। मैंने जे मैंने जब हमने स्टार्ट किया था, हमने ये चीज सोची थी कि रिप्लाई करना है, हरेक को रिप्लाई करना है। तो हम पैदल वहां पे गए थे, वो स्कूटर्स और टैको जोन्स एंड वो दोनों बंद निकले, स्टाफ शॉर्टेज की वजह से बंद है, ओनली ड्राइव थ्रू ओपन है उनका। तो अभी हम भीग रहे हैं और जा रहे हैं वॉलमार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें पंजाबी ट्रकर कपल। बाय बाय।